अपनी बहनों की या अपनी माओ की बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी? क्या आप, क्या मनुष्यता इतना गिर चुका है कि अब अपनी बहनों के साथ ही अत्याचार कर रहा है, वो भी इतने भयंकर रूप में? खून अपने ही मिट्टी में मिल जाएंगे। और उससे पहले मैं बस ये है, ये ही विनती करती हूँ सबसे, जो भी ये देख रहा हो, मैं बस ये विनती करती हूँ कि मणिपुर आपका भाई है, मणिपुर आपकी बहन है, मणिपुर भारतीय देश का एक अहम हिस्सा है, तो उसके हक के लिए आप भी एकजुट होके उनकी आवाज उठाएं। आप अपनी परछाई नहीं दिख रही हो, आप, आपकी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही हो। क्या वो तीन बहनें के बॉडी पर आपको अपनी बहनों की या अपनी माओ की बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी? क्या आप, क्या मनुष्यता इतना गिर चुका है कि अब अपनी बहनों के साथ ही अत्याचार कर रहा है, वो भी इतने भयंकर रूप में? तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों, क्यों सेपरेशन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सेपरेशन के बिना हम अपने ही मदरलैंड में, अपने ही खून, अपने ही मिट्टी में मिल जाएंगे। और उससे पहले मैं बस ये है, ये ही विनती करती हूँ सबसे, जो भी ये देख रहा हो, मैं बस ये विनती करती हूँ कि मणिपुर आपका भाई है, मणिपुर आपकी बहन है, मणिपुर भारतीय देश का एक अहम हिस्सा है, तो उसके हक के लिए आप भी एकजुट होके उनकी आवाज उठाएं। यही मेरी एक ही विनती है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।